भारत जीतु नमस्कार कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को स्थानीय निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो
सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है, वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखे तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा, यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है, कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है, बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है, अब पूरे भारत के लिए 1 राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी 1 राष्ट्र 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए
दिन रात एक करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, दो गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। হালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিবুদ্ধি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে ভাৰতৰ জনগণক লৈ এটা নতুন সপোন দেখিছে আৰু সেই সপোন পূৰ্ণ কৰিবলৈ সকলোৰে সহযোগিতা তেওঁ বিচাৰিছে। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়িবলৈ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ যি কৰোণাৰ অৱস্থিতি অৰ্থাৎ ভাৰতত বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে সুস্থিৰ হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সকলোৱে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে বৰ্তমান আত্মনিৰ্ভৰশীল এখন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যেই দেশবাসীৰ হৈ তেওঁ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাব এই কথা ব্যক্ত কৰিছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন 2 আৰম্ভ হ'ব দেশত, গতিকে লকডাউনে ভাৰতবাসীক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। বৰ্তমান ভাৰতৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে, চৰকাৰে কাম কৰি গৈছে কৃষি ক্ষেত্ৰত। লগতে বিহুৰ কাতি বিহুৰ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে আৰু বিনামূলীয়াকৈ 80 কোটি লোকক ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰিছে। যিসকল অতি নিম্ন মধ্যবিত্তৰ লোক আছে বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে যিটো লকডাউনে বহুকেইটা পৰিয়ালক ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ইতিমধ্যে বা খেতিয়কসকল বৰ্তমান তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অনাটনে দেখা দিছে, গতিকে সেইসকলক ৰেচন বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিনামূলীয়াকৈ। লগতে ঘেঁহু বিতৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু দেশবাসীৰ হৈ এনেদৰে তেওঁ নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ভাষণ প্ৰসংগত। আত্মনিৰ্ভৰশীল এখন ভাৰত গঢ়িবলৈ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।